हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति किचन में। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा और चटनी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और आप इसे शाम के नाश्ते में आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में जब गर्म हो जाए तब हम उसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। तेल के गर्म होते ही हम डाल देंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरा जब चटक जाए उसके बाद हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, क्रश किया हुआ लहसुन और क्रश किया हुआ अदरक। इन सबको हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। लहसुन अदरक थोड़ा सा भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको डाल देंगे। अब हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और डाल के हम थोड़ा सा मसाला को भून लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है वरना हमारा स्टफिंग गीला हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। ये मैंने बॉईल किए हुए आलू को पहले से मैश करके रख लिया था। मैश किया हुआ आलू डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू में सभी मसालों का फ्लेवर एकदम अच्छे से आ जाए। अगर आप आलू पराठा बनाते हैं तब भी इसी तरह से आप अगर आलू का स्टफिंग बना के इसमें बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। और हम इसे पंखे के नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। चलिए अब हम घोल तैयार कर लेते हैं बेसन का। ये मैंने बेसन लिया है 2 कप। उसमें हम हाथों से क्रश करके थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर हल्दी। हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। ये मैंने फोक से इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और इसे हम अच्छे से एक घोल तैयार कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। आपके पास अगर विक्सर है तो आप उससे बना लीजिए वरना आप हाथों से भी इसे अच्छे से घोल सकते हैं। मैं इसे अच्छे से हाथों से घोल लूँगी। और अब चलिए हम चटनी की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप हरा धनिया लिया है, 2 हरी मिर्च, 5 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच मूंगफली, थोड़ा सा काला नमक, काला नमक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और 1 नींबू का रस ताकि चटनी में थोड़ा सा खटास आ जाए। अब इन सबको हम पीस लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने चटनी तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम इस बेसन के घोल में 1 चम्मच गरम तेल डालेंगे, इससे पकौड़ा हमारा ऊपर से एकदम क्रिस्प रहता है। और इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। ध्यान रखिए बेकिंग सोडा नहीं डालना है, उससे ब्रेड पकौड़ा हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और क्रिस्पी नहीं बनता है। आप अगर बेकिंग पाउडर डालेंगे ना तो ब्रेड पकौड़ा ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहेगा और जल्दी सॉफ्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखिए आप इसमें गर्म तेल और बेकिंग पाउडर ज़रूर ऐड कीजिए। अब हम कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे, उस पर हम चम्मच की मदद से चटनी लगा देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट आलू का जो स्टफिंग है उसे भी आप इसमें भर के बना सकते हैं, लेकिन ये चटनी इसमें डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इसे पहले चटनी इस पर लगा के तब स्टफिंग कीजिएगा तो ब्रेड पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो ये देखिए मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस पे मैंने चटनी लगा लिया है। अब इस पे हम थोड़ा सा स्टफिंग लेंगे
और चारों तरफ से चम्मच से फैला देंगे और दूसरे ब्रेड को इस पर हम चिपका देंगे। अब हम ट्रायंगल शेप में इसे चाकू की मदद से काट लेंगे। अगर आप चाहे तो इससे छोटा बना सकते हैं, तो एक और इससे आप बना सकते हैं। इसी तरह से सभी ब्रेड को मैंने स्टफ़ करके रख दिया है। अब इसे हम काट लेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम एक स्लाइसेस को लेके चारों तरफ से पहले पैक कर देंगे, उसके बाद हम हल्के हाथों से बीच में बेसन का घोल लगाते हुए और हल्के हाथों से हम तेल में डाल देंगे। ध्यान रखिए, तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो हमारा पकौड़ा जल सकता है। तो गैस का फ्लेम मैंने एकदम मीडियम कर दिया है। अब हम चम्मच की मदद से इसे ऊपर से भी तेल इसमें डालेंगे, उसके बाद हम चम्मच से इसे हल्के हाथों से पलट देंगे। एक तरफ से ये हल्का सिक गया है, अब हम इसे धीरे से पलट देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह से हम सभी ब्रेड पकौड़ा को बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, सभी ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।